हाय फ्रेंड्स, मेरे क्रॉस मर्सी लॉस्टार चैनल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नेमपाल सिंह है और हमेशा की तरह एक नए विषय, एक नए टॉपिक के साथ मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज का जो फ्रेंड्स हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक न्यूसेंस, यानी कि लोक बाधा। यदि आप किसी लोकेलिटी में रहते हैं, यदि जनरल पब्लिक जो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में काफ़ी सारे लोग रहते हैं और उस विजिनिटी में यदि कोई व्यक्ति बुरी नीयत से या गैरकानूनी तरीके से किसी प्रकार से जनरल पब्लिक को बाधा पहुंचाने की कोशिश करता है या फिर उन अधिकारों को जो कि कॉमनली यानी सभी को समान रूप से प्राप्त हैं जनरल पब्लिक को, उस लोकेलिटी की जनरल पब्लिक को, और यदि वहां पर किसी किस्म से बाधा या व्यवधान या उन अधिकारों में इंटरफेरेंस करता है तो उस प्रकार का जो अपराध है वो सेक्शन 268 के अंतर्गत आता है। और आज मैं उसी डेफिनेशन के बारे में आपको बताने वाला हूं और साथ में उसमें सेक्शन 290 जो के सेक्शन 268 और सेक्शन 290 दोनों ही आईपीसी की धाराएं हैं, यानी इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता जो के अध्याय 14 के अंतर्गत आता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं ये चैप्टर 14 है आईपीसी का, इंडियन पेनल कोड का, जिसकी हेडिंग में दिया गया है ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ सेफ्टी कन्वीनियंस डिसेंसी एंड मॉरल्स। अब यहाँ पर हम आज डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 268 जिसके अंतर्गत दिया गया है पब्लिक न्यूसेंस, यानी कि लोक बाधा। किसी किस्म की यदि लोक बाधा होती है या पब्लिक न्यूसेंस होती है तो ये सेक्शन 268 के अंतर्गत आता है, आईपीसी की धारा है, इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता की धारा है। और यहाँ पर आगे दिया गया है ए पर्सन इज गिल्टी ऑफ ए पब्लिक न्यूसेंस हु डज एनी एक्ट और इज गिल्टी ऑफ एन इलीगल ओमिशन विच कॉजेज एनी कॉमन इंजरी डेंजर और अनॉयंस टू द पब्लिक और टू द पीपल इन जनरल who dwell or occupy property in the vicinity or which must necessarily cause injury, obstruction, danger or annoyance to persons who may have occasion to use any public right. A common nuisance is not excused on the ground that it causes some convenience or advantage. यानी इस धारा के अंतर्गत हम डेफिनेशन में इसकी परिभाषा में देख लेते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति लोक बाधा या कहा जाए कि पब्लिक न्यूसेंस का दोषी है जो कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है या किसी ऐसे अवैध किसी किस्म के लोप का दोषी है जिससे जनसाधारण को जो आसपास में रहते हों या आसपास की संपत्ति पर अधिभोग या अधिकार रखते हो कोई सामान्य क्षति, संकट या परेशानी कारित हो या जिस कार्य के द्वारा उन व्यक्तियों का जिन्हें किसी लोक अधिकार को उपयोग में लाने का मौका पड़े यदि क्षति, बाधा, संकट या परेशानी होना आवश्यक रूप में संभव हो तो उस स्थिति को पब्लिक न्यूसेंस कहा जाएगा। आगे दिया गया है कि यदि कोई भी सामान्य या लोक बाधा या फिर कहा जाए कि पब्लिक न्यूसेंस इस आधार पर माफी योग्य नहीं है कि उससे कुछ सुविधा या भलाई कारित होती है, यानी कि अगर हम आसान या दूसरे शब्दों में इस डेफिनेशन के अंतर्गत देखते हैं तो कहा जा सकता है कि अगर जनरल पब्लिक को यदि किसी किस्म का कॉमन अधिकार प्राप्त है, यानी जनरल पब्लिक है यानी सामान्य लोग, काफी सारे लोग एक जगह पर एक ऐसी लोकेलिटी में रहने वाले, और वहां पर यदि उनको सामान्य रूप से कॉमनली किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं और यदि किसी के द्वारा गैर कानूनी तरीके से या गलत तरीके से उस अधिकार में बाधा पहुंचाई जाए और उस कार्य के द्वारा जनरल पब्लिक को परेशानी हो, संकट हो या किसी किस्म का खतरा उत्पन्न हो तो उस स्थिति को पब्लिक न्यूसेंस कहा जाएगा। यानी कहा जाए
तो जब कभी भी जनरल पब्लिक को किसी प्रकार से उनके आम तौर पर जो वो जीवन यापन करते हैं, उस स्थिति में जब वो अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे होते हैं और स्थिति में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार की बाधा या इंटरफेरेंस किया जाता है उनके कॉमन अधिकारों में, सामान्य जो अधिकार उनके सबको मिले हुए जो अधिकार हैं, उन अधिकारों में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस होता है, तो उस प्रकार की स्थिति को पब्लिक न्यूसेंस कहा जाता है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स हम देख लेते हैं सेक्शन 290 ऑफ आईपीसी इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता की धारा 290, जिसमें कि पब्लिक न्यूसेंस के लिए पनिशमेंट का यानी कि जो सजा है उसका प्रावधान दिया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं पनिशमेंट फॉर पब्लिक न्यूसेंस इन केसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर, आगे दिया गया है हूएवर कमिट्स ए पब्लिक न्यूसेंस इन एनी केस नॉट अदरवाइज पनिशेबल बाय दिस कोड शैल बी पनिश्ड विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 200 रुपीज। तो फ्रेंड्स हम सेक्शन 290 की डेफिनेशन के अंतर्गत देखते हैं कि जो कोई व्यक्ति ऐसे मामले में लोक बाधा उत्पन्न करेगा यानी पब्लिक न्यूसेंस उत्पन्न करेगा जो इस भारतीय दंड संहिता द्वारा अन्यथा दंडनीय नहीं है, तो उस व्यक्ति को 200 रुपए तक के आर्थिक दंड से दंडित किया जा सकता है। यानी कि अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो पब्लिक न्यूसेंस, यहाँ पे लिखा हुआ दोबारा से देख लीजिए, हूएवर कमिट्स ए पब्लिक न्यूसेंस इन एनी केस नॉट अदरवाइज पनिशेबल बाय दिस कोर्ट, यानी कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा मामला लोक बाधा उत्पन्न करने का जिसमें कि भारतीय दंड संहिता में वो दंडनीय नहीं हो, यानी उसके लिए कोई स्पेसिफिक सेक्शन जो है या कहा जाए तो कोई एक निर्धारित धारा ना दी गई हो, तो इस प्रकार का यदि कोई न्यूसेंस करता है, कोई लोक बाधा पहुंचाता है, तो उस किस्म के अपराध के लिए उस व्यक्ति को 200 रुपए तक का आर्थिक दंड के रूप में जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस में हम देखते हैं तो ये एक नॉन कॉग्निजेबल सेक्शन है, यानी कि असंघीय अपराध है और साथ में जमानती अपराध है, यानी कि एक असंघीय धारा है और साथ में जमानती धारा है। संघीय और असंघीय के विषय में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जो कि मैंने उसमें बताया था कि संघीय और असंघीय अपराध कौन कौन से होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, तो अधिक जानकारी के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। साथ में बेलेबल के बारे में मैं आपको बता दूं कि बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें किसी भी अपराधी को आसानी से थाने में या फिर कोर्ट के माध्यम से जमानत मिल सकती है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आज सेक्शन 268 और सेक्शन 290 आईपीसी इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता की दोनों धाराओं के बारे में बताया जो कि अध्याय 14 यानी चैप्टर 14 आईपीसी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और साथ में यदि मेरे चैनल क्रॉस मर्सी लॉस्टार को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें जिससे कि नेक्स्ट वीडियोज जो भी मैं अपलोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वस्थ रहें, खुश रहें, सचेत रहें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।